नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं डॉक्टर रवि गर्ग स्टडी के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे ऐप्स पर है जिन ऐप्स को आपके मोबाइल पर होना चाहिए। इन ऐप्स को गवर्नमेंट ने जो आपको दिया हुआ है, जो कहीं ना कहीं भारत में डिजिटल इंडिया कैंपेन को बूस्टअप करता है। ये एप्लीकेशंस, ये ऐप्स आपके अपने मोबाइल फ़ोन्स में आपके लिए हैं, आपको सरकार की समझ के लिए है, आपको सरकार से जुड़ने के लिए है। ये ऐसा टॉपिक है जो 15 ऐप्स लेकर जो मैं आपके सामने आया हूँ, ये 15 ऐप्स आपको क्लर्क लेवल से लेकर UPSC लेवल तक के हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप राष्ट्र के एक प्रतिनिधि हैं और राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए भी आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। आए दोस्तों, वीडियो के सेशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। मैं आपको सबसे पहले अपने पेन ड्राइव कोर्सेज के बारे में बता दूं, जो कि हमारा इस समय फ्लैट 60% ऑफ पर अवेलेबल है और आप इतनी बड़ी छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप SSC की या UPSC के डिफरेंट स्टेट पीसीएस के अलावा SSC, लॉ, DMRC या नाबार्ड के अतिरिक्त RBI, रेलवे, टीचिंग, डिफरेंट एग्जामिनेशन, UGC, नेट आदि के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो जो है वो 10 नवंबर तक ये जो ऑफर है ये वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर जो है फिर वो नॉर्मल प्राइस पर आ जाएगा। तो इससे बड़ा ऑफ जो भी है ये हमने पहले कभी इस तरह के आपको नहीं दिए हैं। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐप्स के ऊपर जाते हैं। कहीं ना कहीं संचार प्रणाली समय के साथ काफ़ी विकसित हुई है। शायद आपको मैं बता दूं कि संचार और सूचना यानी कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आज भारत जो मोबाइल यूज़र्स की बात करते हैं, मोबाइल में जो भारत की संख्या है दुनिया में या मोबाइल या लैंडलाइन सिस्टम में, वो हम सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं। उसी के साथ ही अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंटरनेट यूज़र्स में भारत पहले तीसरे पायदान पर था, लेकिन आज भारत चढ़कर सेकंड पायदान पर आ चुका है, जहाँ पर काफ़ी हद तक अगर बात करें तो जियो की देन है। यानी आज भारत संचार में और सूचना में यानी मोबाइल फ़ोन बातचीत करने के लिए और इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत दोनों जगहों पर विश्व में दूसरे स्थान पर आ चुका है। अब बात होती है पहले स्थान पर कौन है, तो दोस्तों पहले स्थान पर चाहे वो मोबाइल फोन हो या लैंडलाइन सिस्टम हो और प्लस या तो इंटरनेट कनेक्शन हो, चाइना ही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट से अगर कनेक्ट होना है तो आप इन ऐप्स को यूज करें और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट की डिफरेंट तरह की जो सुविधाएं आपको दी जाती हैं उन सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं और आप डायरेक्ट गवर्नमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वो 15 बेस्ट इंडियन गवर्नमेंट ऐप्स जो आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पर ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके लिए आपका फ़ोन जो है वो स्मार्टफोन होना चाहिए। फ़ोन के लिए भी आज नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई जनरेशन्स हैं जो यूज़ करना शुरू कर चुके हैं हम। भारत में थर्ड जनरेशन के बाद से, थर्ड जनरेशन और उसके ऑनवर्ड से जो मोबाइल फ़ोन हमने भारत में यूज़ करना शुरू किया है, उन मोबाइल फ़ोन को हम स्मार्टफोन के नाम से जानते हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत होती है इनमें मल्टी टास्किंग सिस्टम होता है। मल्टी टास्किंग सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों ऐसा सिंगल मोबाइल फ़ोन जिसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। मल्टी टास्किंग में दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक मैं आपको बताऊं अगर अपने मोबाइल फ़ोन को देखें तो, एक जिसको हम कहते हैं नेटिव ऐप और दूसरा जिसको हम कहते हैं वेब ऐप। सो नेटिव ऐप और वेब ऐप, इस दो तरह के ऐप आते हैं। नेटिव ऐप कौन से होते हैं, वो मोबाइल फ़ोन के अंदर जैसे आपका क्लॉक, आपका कैलेंडर, आपके अपने नोट्स, जो डेटा आप मोबाइल पर सेव करते हैं, इवन आपका मोबाइल फ़ोन अगर ऑफ होता है उसके बाद भी नेटिव ऐप की जो प्रणाली होती है, जो सिस्टम होता है वो काम करता है। आपका कैलेंडर, आपके नोट्स वो उसी तरह से सेफ रहते हैं और वही कैलेंडर और टाइमिंग आपके मोबाइल फ़ोन में मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के बाद भी सही टाइमिंग बताता है। लेकिन वेब ऐप कहीं ना कहीं इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है और इंटरनेट के द्वारा ये वेब ऐप्स जो होते हैं इनकी जानकारियां आप ले सकते हैं। सो हम जिन ऐप्स के बारे में बात कर रहे हैं वो हम वेब ऐप्स के बारे में बात कर रहे हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वेब ऐप्स के बारे में। आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो है, जो आज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो लोगो है, अगर आप भारत सरकार की साइट पर जाइए तो वो मुट्ठी बंद जो आपको जो ये आपका जो हैंड को दिखाते हैं, ये एक RTI का सिंबल है और आप RTI को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। RTI के लिए एक चीज मैं आपको बताऊं, ये ऐप आप सिर्फ एंड्रॉयड फोन पर ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अपने लॉयर्स होते हैं जो RTI के लिए होते हैं, उनके अपने एक्सपर्ट होते हैं, वो इन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं और आपको बताऊं तो 1 महीने के अंदर आपको सारी की सारी जानकारी यहां दी जाती है। तो ये रहा एक ऐसा ऐप जो आपका अपना अधिकार है और आप अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के
ऐप को इंस्टॉल कर आप विभिन्न तरह की जानकारियां या मदद सरकार से कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे भी हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारा जो संविधान है उसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट जो है फॉर द पीपल है, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल है। तो गवर्नमेंट लोगों के लिए, लोगों के साथ है, लोगों के साथ मिलजुल काम करने वाली एक प्रणाली है। तो इसमें लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए जैसा कि सरकार का पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ पर हम दूसरे ऐप के साथ आते हैं जिस ऐप का नाम है दोस्तों माई जी ओ वी, जहाँ पर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका लोगो जो भारत सरकार ने दिया हुआ है, जो इस तरह से भारत का सत्यमेव जयते का जो एक पहचान है मेरी सरकार लेकर, ये भारत ने, भारत के गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। इस ऐप के बारे में आपको बताऊँ, इसमें जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो पूरी तरह से राष्ट्र के जो गवर्नेंस प्लेटफॉर्म होते हैं उनके साथ पूरी तरह से जुड़कर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर सिटीजन्स होते हैं, जो जनता होती है, वो डिफरेंट तरह के जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के जो नियम कानून बनते हैं, जो नीतियाँ बनती हैं, या डिफरेंट तरह के जो कार्यक्रम जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उनमें सीधा कनेक्ट होकर वहाँ से उनसे वो अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तथा उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ सिटीजन कैन ईजली एक्सेस न्यूमरस गवर्नमेंट इनिशिएटिव साइट्स, जो स्वच्छ भारत है ना, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिनके साथ लोग, जनता कनेक्ट हो सकती है, ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म, माई गवर्नमेंट टास्क मैनेजमेंट और माई गवर्नमेंट न्यूज लेटर्स, इन सब के द्वारा ये ऐप जो होता है सामान्य जनता के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके लिए माई गवर्नमेंट टाउन हॉल जो है वो आपकी मदद करता है। तो माई गवर्नमेंट के अंदर भी डिफरेंट तरह के ऑप्शंस होते हैं। आप इन पोर्टल पर जाइए, इन ऐप्स पे जाइए, आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगे, जहाँ स्वच्छ भारत, ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म, माई गवर्नमेंट टास्क मैनेजमेंट, माई गवर्नमेंट न्यूज लेटर्स और माई गवर्नमेंट टाउन हॉल, इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं इसके अंदर दिए गए हैं। अगली अगले डिस्कशंस पर आते हैं, जहां पर एमईए इंडिया, जहां एवरीथिंग अबाउट इंडियन मिशंस जो एब्रॉड में है, यानी आप बाहर या किसी राष्ट्र के बाहर अगर आप कोई ऐसी सुविधा है जो भारत सरकार की लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एमईए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐप से जुड़ना होगा, जिसका सिंबल इस तरह से बनाया गया है। आप गवर्नमेंट की साइट पर जाएंगे, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मीए के बारे में। मीए इंडिया ऐप जो है एक सिंगल विंडो सोर्स है, जो सारी तरह के इंफॉर्मेशन आपको देता है, ओके, और ये पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली, आपकी पूरी तरह से हेल्प करता है। डिफरेंट तरह के इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट तरह के मिनिस्ट्रीज से मिले जुले हैं, जहाँ पर आपको ई सिटीजनशिप, पासपोर्ट सर्विसेज, फॉलो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, वीज़ा सर्विसेज, इंडियन मिशन जो अब्रॉड है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इनके अंदर आते हैं, जिनके साथ जुड़कर ये एमईए इंडिया ऐप जो है पूरी तरह से काम करता है। बहुत ही सिंपल, जो आपको इसके बारे में बता दूँ, ये ऐसा ऐप है कि अगर आप विदेश में पढ़ने जाते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पढ़ सकती है। इसमें डिफरेंट तरह के स्टेप्स हैं, जो किस तरह की चीज़ें हमें, जो ट्रैवलिंग में अब्रॉड अगर अगर हम जाते हैं किसी कार्य के लिए, किसी स्टडीज़ के लिए, तो हम किस तरह की हेल्प ले सकते हैं। इस ऐप्स के थ्रू आप जाइए, आपको डिफरेंट तरह की मदद मिलती है। इस ऐप्स के माध्यम से जनरली क्या होता है कि अगर आप नियरेस्ट इंडियन मिशन में हैं या कोई किसी इमरजेंसी असिस्टेंस के केस में आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आपको ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देता है। या अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर या हज यात्रा पर, तो यहाँ पर भी इस ऐप की मदद से आप डिफरेंट तरह की सुविधाएं ले सकते हैं। इस ऐप्स को इंस्टॉल कीजिएगा तो इसके साथ ही आपको डिफरेंट तरह के पिक्चर्स भी होंगे, जो डिफरेंट तरह के भारत के जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनको यहाँ पर शेयर भी किया जाता है, उनके पिक्चर्स वगैरह दिए गए हैं। और यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जब वो कहीं बाहर विजिट करते हैं तो उनके इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दिए जाते हैं। आप इस ऐप्स के द्वारा मल्टीलिंगुअल, मतलब मल्टीलैटरल अप्रोचेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में बात करते हैं। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं इससे एग्जैक्टली, अगर आप इस ऐप के थ्रू, अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो किसी भी इंटरनेशनल या जो डोमेस्टिक टूरिस्ट होते हैं उनको एक तरह से इंफॉर्मेशन मुहैया कराते हैं, ताकि जैसे कि अतिथि देवो भवा के कंसेप्ट पर ये पूरा ऐप है जो काम करता है, जो पूरी तरह से अगर हम देखें तो टूरिज्म मिनिस्ट्री है इसको लेकर आया है, और जो जिसमें सर्विसेज देते हैं वहाँ पर जो भी व्यक्ति जो किसी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रिप पर आते हैं फिलहाल इंडिया वगैरह में, तो उनको जो है वहाँ पर एक तरह का टूर ऑपरेट
ऑपरेटर्स है ना, डिफरेंट तरह के एडवेंचर्स, जो टूर ऑपरेटर्स, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट जो होते हैं, रीजनल लेवल के जो गाइड्स होते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट तरह के होटल्स जो होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई करके डिफरेंट डिफरेंट शहरों में और जो डिफरेंट टूरिस्ट सेंटर्स हैं उनकी जानकारी इस ऐप के थ्रू दी जाती है इनक्रेडिबल इंडिया के अंतर्गत। अब अगर यहाँ पर आपको कोई डिफरेंट रीजनल डायरेक्टर्स, अच्छा इसके लिए क्या होता है कि सरकार क्या करती है, एक रीजनल डायरेक्टर जो होता है वो प्रोवाइड कराती है जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर आता है। आप उससे सीधा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका नाम होता है, उसके ऑफिस का एड्रेस होता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसका ईमेल एड्रेस भी होता है। तो यहाँ पर आप इनक्रेडिबल इंडिया के अंतर्गत भारत में अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कोई बाहर का व्यक्ति भी भारत में आता है तो डिफरेंट तरह की सूचनाएं भारत के बारे में जान सकता है। तो इनक्रेडिबल इंडिया ऐप उम्मीद करता हूँ कि अब आपके पास होगा। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर एक तरह से ऑडियो टूर गाइड्स के फॉर्म में भी आपको इनक्रेडिबल इंडिया में आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, यानी यहाँ पर कुछ ऑडियो क्लिप्स होते हैं जो वहाँ के लोकल जो गाइड्स होते हैं वो आपको इसके थ्रू गाइड करते हैं और आप वहाँ पर अच्छी तरह से उस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, शायद आप इस ऐप के बारे में जानते होंगे, कहीं ना कहीं मन की बात जो अक्सर न्यूज़ में रहता है उसको लेकर इस ऐप की चर्चा हमेशा आए दिन होती रहती है। तो इस ऐप में जो है नरेंद्र मोदी साहब की फ़ोटो लगाई गई है और उनका नाम भी लिखा गया है। इस ऐप की पहचान अगर आपको करनी है तो आप गूगल पर जाकर, गूगल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मोदी साहब की आपकी फ़ोटो बनी मिलेगी और उसके नीचे आपको नरेंद्र मोदी नाम लिखा मिलेगा। इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन होने वाली डे टू डे जो एक्टिविटी होती है हमारे प्रधानमंत्री की, उसकी जानकारियां आप पा सकते हैं। साथ ही साथ डायरेक्टली आप यहाँ पे मैसेजेस वगैरह के थ्रू या ईमेल के थ्रू सीधा अपने प्राइम मिनिस्टर से, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। इस ऐप की शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, जहाँ मोबाइल ऐप के द्वारा आप हमारे प्रधानमंत्री के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को है ना आप चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को लाने के लिए इन्होंने एक तरह से बताऊँ तो इसको इन्होंने मन की बात से भी इस एडिशन को जोड़ दिया है, जहां पर हमारे पीएम के जो है उनके ब्लॉग्स भी हैं, इसके साथ ही साथ उनकी बायोग्राफी का सेक्शन भी है जहां उनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं जो राष्ट्र के लिए हितकारी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों गर्व के बारे में। गर्व जो है वो ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप है जो पूरी तरह से जो रूरल एरियाज में जो विद्युतीकरण को लेकर जो सिस्टम है, किस तरह से काफ़ी चीज़ें पारदर्शी बनाई जाएं, कैसे गांव के लेवल में ग्रामीण स्तर पर भारत को विद्युतीकृत किया जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं भारत जो है, अगर भारत को देखना है तो आपको रूरल एरियाज में जाना होगा, क्योंकि रियल भारत जो है वो गांव में रहता है। 80% जनता जो है हमारे देश की वो गांव में रहती है। तो अगर भारत का विकास करना है तो गांव की तरफ चलो, जैसा गांधी जी ने, अम्बेडकर ने, काफी लोगों ने इसके बारे में बोला है। गर्व जो है, जो हम ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप के नाम से जिसे जानते हैं दोस्तों, इसके बारे में बताऊं, इसके द्वारा आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, ग्रामीण स्तर पर जो विद्युतीकरण है उसके प्रोग्रेस को आप इसके द्वारा देख सकते हैं। प्रतिदिन जो चीज़ें होती हैं उसके अपडेट्स देख सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ पे जो अपडेट्स होते हैं वो वीकली बेसिस पे दिए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोग्रेस को देखने के लिए जो लॉन्च किया वो REC ने किया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये ऐसी बॉडी है दोस्तों जो कि भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कार्य करती है। ये ऐप जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स के लिए है। ओके, iOS या अलग फोन यूजर्स इसको इंस्टॉल करके यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें वो गांव जो टोटल नंबर ऑफ अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज हैं, उनके डिटेल्स, उनके स्टेटस वगैरह डाले जाते हैं, जहां पर उनके वर्क जो हैं, उनके प्रोग्रेस हो रहे होते हैं, तो उनकी जानकारी यहां दी जाती हैं। यहां जो नंबर ऑफ विलेजेस जो इलेक्ट्रिफाई हुए हैं हर वीक में, उसके अपडेशंस आपको मिल जाते हैं। तो आगे से गर्व एक ऐप है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और इंस्टॉल भी करना चाहिए अगर किसी गाँव के एरिया में आप रहते हैं, जिससे आप भारत में गाँव को विद्युतीकृत होते देख सकते हैं। GVAs की बात करें तो इसका जो रिपोर्ट होता है वो GVA द्वारा तैयार किया जाता है कि किस हिसाब से अपडेशंस और कितने गांव जो है विद्युत हो रहे हैं। GVAs क्या होते हैं, ग्रामीण विद्युत अभियंताज या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंजीनियर्स होते हैं, जो गर्व ऐप के द्वारा एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो डालते हैं। ओके, जिसकी मदद से कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो प्रेशर में रहता है विद्युत करने के लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। सच में स्टेट में किस हिसाब पर इलेक्ट्रिसिटी हुई है
पूरी या नहीं हुई है, इसको कंफर्म करने के लिए जीवीए एप्स, जो जीवीए जो है ग्रामीण जो एंत्याज हैं वो अपने अपडेट्स देते हैं, जिसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट सीरियस होती है उस हिसाब से विद्युतकृत करने की कोशिश करती है। जीवीएस जो होते हैं ग्रामीण विद्युत जो अभियंताज होते हैं, ये डायरेक्टली कैप्चर करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन डेटा है ना, जो उस ऐप के द्वारा है ना स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट इंफॉर्मेशन देने में मदद करती है। दूसरी चीज़ बताऊँ, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, मल्टीलिंगुअल होता है, जैसे भारत में जो डिफरेंट तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं उन सारी बोलियों में, उन सारे लैंग्वेजेस में इन इंफॉर्मेशन को देकर लोगों से कनेक्ट किया जाए। सातवां ऐप जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, एम पासपोर्ट सेवा ऐप, एनी टाइम एक्सेस टू द पासपोर्ट सर्विसेज, ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विसेज की सेवा आपको दी जाती है एम पासपोर्ट सेवा ऐप के द्वारा। एम पासपोर्ट सेवा ऐप जो है ये भी पूरी तरह से सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है, यानी आपको एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि भारत सरकार के जितने भी जो ऐप्स हैं जो दिए गए हैं वो स्पेशली एंड्रॉयड डिवाइस के लिए ही दिए गए हैं। इसमें जो सिस्टम है, इस ऐप को लाने वाला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एम पासपोर्ट सेवा ऐप लॉन्च किया है, जैसे वैरायटी ऑफ द मतलब जो कार्य हैं जो हम स्मार्टफोन के द्वारा पासपोर्ट रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम देखें तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत आता है, इवन मैं आपको बताऊं तो पूरा का पूरा डिजिटल इंडिया ही पूरी तरह से नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहा है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सिस्टम पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा और जो राष्ट्र का जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो रूट लेवल तक, गाँव के लेवल पर, ग्रामीण एरिया के लेवल पर, या कह लो कि वीकर सेक्शन के लेवल पर आसानी से कनेक्ट हो सकता है डिजिटल तकनीकी के द्वारा। इसके अंदर होता क्या है, यूज़र सर्च कर सकता है नियर बाई जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है इस ऐप के द्वारा कहाँ पर है, या डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट जो सेल्स हैं वो कहाँ पर हैं, उन अपना पिन कोड डालकर उन एरियाज़ में, जैसे मान लो मैं किसी गांव में या किसी एरिया में रहता हूँ तो मैं अपने एरियाज़ में क्या करूँगा, उस पिन कोड को डालूंगा, उस पिन कोड के बेसिस पर मुझे पता चल जाएगा मेरे एरिया के आसपास किस जगह पर ऐसा केंद्र है जहाँ पर पासपोर्ट बनाया जाता है। यहाँ पर आसानी से हम अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन को भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका पासपोर्ट बनता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो नियर बाई पुलिस स्टेशन आपका कौन सा पड़ेगा जहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऐप होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा फी या खर्चा कितना होने वाला है इस ऐप के द्वारा आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, जिससे कहीं भी कोई फ्रॉड ना हो, कोई आपको पैसे को लेकर या किस तरह की चीट ना करे। दूसरी चीज़ें दोस्तों, यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन वगैरह जो है, आप जो एप्लीकेशन डालते हैं उसको प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं कि एप्लीकेशंस की फाइल कहां तक पहुंची। यहां पर आपका फाइल नंबर, सारे इंफॉर्मेशन और डेट ऑफ बर्थ, फाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप पूरे एप्लीकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे इस फाइल इस यहां से इस बाबू से उस बाबू के चेयर पे या किस लेवल पर वो चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। इसके द्वारा आपको एक चीज़ और बताऊँ कि यहाँ पर अगर कोई आपको नया पासपोर्ट चाहिए या कोई पुराना पासपोर्ट आपको रिन्यू कराना है तो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसके द्वारा वो जानकारी भी ले सकते हैं। एक कमाल का ऐप है दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मुझे एक न्यूज़ में मिला कि एक बच्चा है जो खो गया था, लेकिन अपने फिंगरप्रिंट की मदद से बायोमेट्रिक्स प्रणाली के द्वारा उसकी पहचान हो गई। तो हाल ही में एक तरह का इस तरह का भी ऐप है, जो कहीं कोई बच्चे या कोई मिसिंग चिल्ड्रन हो जाते हैं तो उसकी जानकारी इस ऐप पर डाली जा सकती है, इस ऐप के द्वारा उसकी पहचान होने में मदद मिलती है, तो कोई भी जो बच्चा है वो अपने माँ बाप से आसानी से मिल सकता है और फास्टली स्पीडली ये प्रोसेस होता है। उस ऐप का नाम है खोया पाया ऐप। खोया पाया ऐप एक सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है ना, जहाँ पर पूरा जो नागरिक है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये मिसिंग चिल्ड्रन के लिए है, जो बच्चे गायब हो जाते हैं उन बच्चों की को माँ बाप से मिलाने के लिए इस तरह का ऐप काम करता है। इस ऐप के बारे में बता दूँ, एनी सिटीजन जो इसमें रजिस्टर करते हैं इस पोर्टल के द्वारा, वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों के या किसी मिसिंग या साइटेड चाइल्ड वगैरह के इन्फॉर्मेशन इसमें डालते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो होता है वो अवेलेबल हो जाता है पब्लिक व्यू, इसमें पूरा का पूरा पब्लिक लेवल पर जो होता है वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और किसी वैल्यूएबल टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी बच्चे के मैसेज जो होते हैं वो स्प्रेड कर सकते हैं। अक्सर आए दिन आप लोग देखते हो कि जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे हमारे पास मैसेजेस आते हैं, ये बच्चा गायब हो गया है ना, इस रिले प्लेटफॉर्म से यहाँ पर ये उसकी जानकारी अगर आपको चाहें तो इसको स्प्रेड करें। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बोलूँगा, खोया पाया ऐप
जो कि हमारी भारत सरकार आपको देती है, इसकी मदद आपको लेनी चाहिए। और इस मदद से इवन मैं तो कहता हूँ कि किसी के घर में बच्चा नहीं भी खोता है तो भी हर किसी के पास ये ऐप होना चाहिए। कहीं ना कहीं आसपास अगर ऐसे बच्चे हमारे कहीं टहलते घूमते मिलते हैं तो इन ऐप की मदद से हम उनको, जो बच्चे हैं जिन परिवार के, जिनके माँ बाप से बच्चे बिछड़ जाते हैं, उनको फिर से हम इस ऐप के द्वारा हम उनको मिला सकते हैं। ओके, इसमें फिलहाल जो डेटाबेस है, जो सारे इन्फॉर्मेशन हैं उस ऐप पे डाले जाते हैं। ये पीपीटीज वगैरह मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन है जो आप इनसे पा सकते हैं। ओके, एम कवच ऐप। एम कवच ऐप एक ऐसा ऐप है दोस्तों, आज आप जानते हैं एक सिंगल मोबाइल फोन बहुत सारे टास्क करता है। एम मोबाइल ऐप का जो इन्होंने पिक्स डाली है, जो गवर्नमेंट की साइट पर जो पड़ी हुई है, वो ये लोगो पड़ा हुआ है एम कवच ऐप का। एम कवच ऐप पूरी तरह से मोबाइल की सुरक्षा करता है, क्योंकि आज एक मोबाइल एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। आप और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मोबाइल फोन से बिल वगैरह ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल फोन से आपके सारे डेटा होते हैं, मोबाइल फोन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन आपके साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट के अंदर आ सकता है। तो इन चीजों को बचाने के लिए एम कवच ऐप आपके लिए अच्छा है। इसका पूरा का पूरा कंट्रोल और सुपरविजन जो करता है, कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट मॉलवेयर और हैकिंग अटैक से बचाने का काम करता है। भारत में एक्चुअल में जो साइबर वॉच डॉग है, यानी साइबर कंट्रोल से साइबर सिस्टम को मैनेज करना, उसको सुरक्षित रखने के लिए वो सीधे काम करता है, जिसका नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो डाइटी के अंदर आता है। डाइटी जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, इसी ने एम कवच ऐप को लेकर आया हुआ है, जिसके माध्यम से हम मोबाइल के अंदर के विभिन्न तरह के डेटा और इंफॉर्मेशन को हम सेफ रख सकते हैं, जिसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया है, क्योंकि हमारे सारे इंफॉर्मेशन आज मोबाइल फोन पर ही सुरक्षित होते हैं। डिफरेंट तरह के जो मोबाइल डिवाइसेस भी अगर चोरी हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, अगर आप सिम नंबर वगैरह चेंज भी करते हैं तो भी उसके बाद आपके जो मोबाइल फोन्स की जानकारी है वो मिल जाती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ ऐसे और मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे स्पैम एसएमएस आते हैं, बहुत सारे इस तरह के प्रीमियम रेट एसएमएस आते हैं और अनसॉलिसिटेटेड इनकमिंग कॉल्स आते हैं, उनको भी हम एम कवच के द्वारा ब्लॉक कर अपना छुटकारा पा सकते हैं, इस तरह के डिस्टर्बेंसेस से बच सकते हैं। अगला ऐप जो पोस्ट इन्फो इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी तरह से आपको जो पोस्टल सर्विसेज है उससे जुड़ा हुआ है, ये भी आपको डिफरेंट तरह की जानकारी देता है। इसको लेकर जो आया हुआ है वो सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी द्वारा लाया गया है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये फैक्चुअल है, आप इन्हें याद रखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पोस्टल सर्विसेज जो है हमारा, जो जैसे पुराने ज़माने में डाकिया डाकलाया टाइप का कॉन्सेप्ट था, तो सेम उन्हीं कॉन्सेप्ट को भी आज डिजिटल किया गया। वही डाकिया जो डाक लाया है वह पोस्टल सर्विसेज के द्वारा कंज्यूमर्स के साथ जुड़कर यहाँ पर बात की जाती है, जहाँ पर ये भी ऐप जो है दोस्तों ये भी पूरी तरह से एंड्रॉयड पर ही आधारित है। यहाँ जो डिफरेंट तरह के जो हमारा डाक है वो उसकी ट्रैकिंग, उसकी डिलीवरी इंफॉर्मेशन, जिसमें स्पीड पोस्ट हो सकता है, कोई रजिस्ट्री हो सकती है, कोई पार्सल हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो होता है वो रिसिपिएंट नंबर तक आसानी से पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर जितना भी वेट के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से जो भी पेमेंट होना चाहिए, जो हिसाब से आर्टिकल्स होने चाहिए, वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। दूसरी चीज़ें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो आसपास के जो लोकेशंस ऑफ पोस्ट ऑफिसेस हैं उसकी जानकारियाँ भी मिल जाती हैं। इस ऐप्स के द्वारा डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट रेट के भी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हम किसी पोस्ट ऑफिस में डिफरेंट तरह की सेविंग करते हैं, जिसमें बहुत सारे हैं स्कीम है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, मंथली इनकम स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा है, ये सब कहीं ना कहीं। और इसके अलावा जो डिफरेंट तरह के पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं, ठीक है, उसका जो प्रीमियम वगैरह जो पे करना है उसकी सारी जानकारी भी आपको ये ऐप पूरी तरह से देता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इंडिया वोटर लिस्ट ऐप। अक्सर जब आप इलेक्शन का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोटर आईडी में आपके नेम को लेकर कोई ना कोई इशू होता है, तो ये भी एक ऐप है जो भारत सरकार ने आपको दिया है। इवन अगले जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, या आप किसी स्टेट के हैं और राज्यसभा इलेक्शन होने वाले हैं, मतलब वहाँ के स्टेट के विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनके लिए आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें और अपनी नागरिकता अपने ऐप को इस ऐप के द्वारा अपनी पहचान कर लें कि आपका वहाँ के वोटर आईडी में कहीं नाम छूट तो नहीं गया या कोई इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो यहां पर आपकी आइडेंटिटी जो होती है वो प्रूफ होती है, जहां पे आपको कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स और विथ योर नेम वगैरह के साथ आपको अपने
वोटर लिस्ट में आप अपना नाम फिर से डला सकते हैं अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे करप्शन हैं। तो यहाँ पे डिजिटल सिस्टम के द्वारा अगर आप जाएंगे तो पूरी तरह से करप्शन होने के चांसेस नहीं है और काफ़ी चीज़ें सहज और सरल हो जाएंगी। जो नागरिक होते हैं वो पूरी तरह से, जो वोटर्स होते हैं वो जैसे सर्च करते हैं स्टेट बेस्ड इलेक्टोरल डेटाबेस आधार पर, जहाँ पर अपने नाम और प्राइमरी डिटेल्स को डालकर वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस ऐप में 100% ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड ऐप है। यहाँ पर जैसे काफ़ी जगहों पर सुनने में आता है कि यहाँ पर हमारे लोग नहीं होते हैं, तो उस एरियाज में ऐसी जनता के वोटर आईडी ना बनाए जाएं या इस तरह की दिक्कतें की जाएं, तो इस ऐप के द्वारा डिजिटल ऐप में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। आपका वेरिफिकेशन करके आपको जो भी इलेक्ट्रोरल जो सिस्टम होगा, आपकी जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आते हैं उस लोकेशन के साथ आपका वोटर आईडी बन जाएगी। स्वच्छ भारत ऐप के बारे में बात करते हैं। कुछ दिन पहले ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा दोस्तों, जहाँ पे कहते हैं किसी जगह का अगर आप गार्बेज या कूड़े देखते हैं या कहीं पर जो कंटेनर है जिसमें वेस्टेज रखे गए हैं उसका अगर ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसकी एक पिक लेकर और इस ऐप पर आप अपलोड कर दीजिए। जो भी इसका ऑथेंटिक शख्स होगा उसके ऐप्स के, जब आप पिक्स लेते हैं तो लोकेशन और टाइमिंग वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाती है और वो वहाँ पे स्वच्छ भारत ऐप पे अपलोड हो जाता है और इस ऐप पर उस के द्वारा वहाँ के बारे में लोगों को जानकारियाँ मिल जाती हैं और वहाँ पर सफाई अभियान ठीक से किया जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ये पूरी तरह से ऑल अ सिटीजन नीड टू डू अ क्लिक अ पिक्चर, जो मैंने अभी आपको बोला किसी गार्बेज डम्प का या ओवरफ्लोइंग किसी डस्टबिन का या किसी जगह का जहाँ पर आप स्वच्छ क्लीनलेस ऐप के ऊपर उसको अपलोड कर दीजिए। ये ऐप पूरी तरह से एंड्रॉयड आईओएस फोन दोनों पर काम करता है। इस ऐप को जो लेकर आया है वो यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जिसको लेकर आया है लोगों की भलाई के लिए, अगल बगल गंदगी को दूर करने के लिए। यहाँ पर जब कोई भी नागरिक किसी इंफॉर्मेशन के पिक्चर को पोस्ट कर देता है तो ऑटोमेटिकली जो उससे रिलेटेड जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है उसके पास वो पिक्चर या डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस ऐप के द्वारा। यहाँ पर जो भी कंप्लेंट होता है वो रजिस्टर कर दिया जाता है और ये कंप्लेंट जो होता है रेगुलर अपडेट्स के बेसिस पर होता है। वहाँ का स्टेटस जो होता है उस पिक्चर के बेसिस पर, वहाँ से रिलेटेड जो जगह होती है वहाँ का जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है वो उसकी सफाई या क्लीनिंग करने के बाद वो इन इंफॉर्मेशन को वहाँ अपलोड कर देता है, जिससे जो शख्स या जिस तरह के इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन स्वच्छ भारत ऐप पर डाले गए थे वो जानकारी मिल जाती है कि उस एरिया को पूरी तरह से साफ कर लिया गया है। एक ऐप है उमंग दोस्तों, उमंग बहुत ही प्यारा ऐप है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप सबके पास ये ऐप जरूर होना चाहिए। इवन इस ऐप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इस ऐप में, क्योंकि मैंने भी अभी हाल ही में इस ऐप को इंस्टॉल किया है। उमंग ऐप जिसको यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस कहते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का, ई गवर्नेंस का जीता जागता उदाहरण है। ये एक ऐप है मेरे पास, आप देखेगा इस ऐप को मैंने जैसे ही ओपन किया है, ओके इस कैमरे में देखेगा उमंग ऐप को ओपन करते समय देखिए मुझे बहुत सारे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन हैं जो सरकार के यहाँ पे चीज़ें आपको खुल रही हैं। ये पूरा का पूरा उमंग ऐप है, मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ देखिएगा। इसमें आपको आयुष्मान भारत का डिटेल दिया हुआ है, प्रधानमंत्री आवास के बारे में दिया हुआ है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में दिया हुआ है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शुभ सौभाग्य के बारे में और स्वच्छ भारत के बारे में ये सारी जानकारी दी गई है। इवन अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उमंग ऐप पे जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पर ले सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल यहां पर दी गई है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं जो मैं आपको मोबाइल फोन पे दिखा रहा हूं। अब आप आयुष्मान भारत को जाइए, इसको क्लिक कीजिए। जैसे मैंने क्लिक किया तो आयुष्मान भारत से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर आप पिछले 2 साल के पेपर देखिए तो हेल्थ से जुड़े क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। कौन कौन से पूछे गए हैं, जैसे एक तो अभी आपके पेपर में मिशन इंद्रधनुष पे क्वेश्चन आया हुआ है 2015-16 में, 17 में आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पर। तो ये कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत टाइप के क्वेश्चन वगैरह, उमंग आपको अच्छी तरह काम करता है, आप इसको यूज करना चाहिए। उमंग के केस में ये पूरी तरह से एक डिजिटल इंडिया है जो भारत का एक बूस्टअप किया जा रहा है, जहां भारत में पूरे ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म को सरकार से कनेक्ट करने की बात की जा रही है। उमंग का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो नई एज गवर्नेंस का पूरी तरह से मोबाइल ऐप जिसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर एक साथ लाया गया है। 200 से ज़्यादा सर्विसेज हैं जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर दी गई हैं। यहाँ पर पासपोर्ट सर्विसेज, लैंड रिकॉर्ड्स, इनकम टैक्स, ई पोस्ट, यूटिलिटी बिल्स एंड बहुत सारे अदर इंफॉर्मेशन हैं जो दिए गए
हैं, यहाँ पे किसी सिटीजन्स के बारे में आप देखें तो पर्सनल डिटेल भी है, उसके प्रेफरेंसेस भी हैं, उसको किस तरह की मतलब ज़रूरतें हैं उसके बारे में भी सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। इसे पूरी तरह से देखो तो आप इसमें आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यानी पहचान भी की गई है। तो उमंग ऐप फिलहाल सरकार के बारे में बहुत सारी चीज़ें को जानने के लिए, ई गवर्नेंस सिस्टम के लिए, आपको मैंने बहुत कुछ एग्जाम्पल्स तो दिखाई दिए, तो आपके पास ये ऐप भी होना चाहिए। अगला ऐप जो भुवन कहते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि आप में से काफ़ी लोगों के पास गूगल मैप होता है, रेंज होता है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप भुवन ऐप भी इंस्टॉल करेंगे, लेकिन हाँ एक शर्त है कि इसके लिए भी आपके पास एंड्रॉयड ऐप होना चाहिए। भुवन का जो सिंबल है, जो सरकार ने बनाया है, जो लोगो है वो ये लोगो बनाया है। भुवन ऐप जो है वो इसरो के द्वारा लाया गया दोस्तों। यहाँ पर सैटेलाइट आधारित जो इमेज है वो ली जाती है और पूरे भारत की फोटोग्राफ, भारत की इमेजेस देखी जाती है। 12 अगस्त 2009 को इसका पहली बार एक छोटे लेवल पर ट्रायल किया गया, जिसकी जो रेजोल्यूशन क्षमता है वो 10 से 100 मीटर की है। इवन सबसे खासियत जो है आपको मैं बता दूं, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन काफी स्लो है फिर भी आप भुवन के द्वारा भारत के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोकेशंस देख सकते हैं। दूसरी चीज, ये भुवन ऐप कहीं ना कहीं वेदर की जानकारियां भी देता है और डिफरेंट तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं जो किसी स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उनकी भी जानकारियां आपको देते हैं। जो भुवन है जिसकी जिसकी जिसके माध्यम से आप एक तरह से एक रास्ता देखने में इसका मदद कर सकते हैं, या लोकल तरीके से बोले जैसे हम कह सकते हैं भारत का अपना विकी मैपिया है, ये भारत का अपना विकी मैपिया है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके पास ये भुवन ऐप आगे से इंस्टॉल होगा, जिसकी मदद से जब आप कहीं गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। इसका पूरा रख रखाव, इसका पूरा जो डेटा है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो कि हैदराबाद में है, यहाँ यही पूरा इसको संचालित करता है, उसके डेटा को स्टोर करता है। 3 उपग्रहों की मदद से भुवन जो है पूरी तरह से काम कर रहा है, रिसोर्सैट 1, कार्टोसैट 1 और कार्टोसैट 2। अगला ऐप आते हैं दोस्तों, जिस ऐप को तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा अपने मोबाइल फ़ोन में, कमाल का ऐप है जिसे हम सफ़र के नाम से जानते हैं। सफ़र ऐप एक ऐसा ऐप है दोस्तों जो आप सबके मोबाइल फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए, जिसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, ओके, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये ऐप जो है, अगर मैं बताऊं तो ये ऐप जो है, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये ऐप लाया गया था असल में जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था भारत में, दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम 2010 के आसपास था, उस समय इस ऐप को लाया गया था। इस ऐप को लाया जाने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम आप अपनी जगह के एयर क्वालिटी की गुणवत्ता को चेक कर सकते हैं, यानी जो वायु गुणवत्ता है, वायु प्रदूषण की जो गुणवत्ता है उसको आप चेक कर सकते हैं। इसको डेवलप किया था जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि पुणे में है, ESSO के साथ मिलकर, जिसको अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और नेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रेंज मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के साथ मिलकर काम करता है। यानी सफ़र ऐप सबसे अगर बोलूं तो ये पूरी तरह से आज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है जो काम कर रहा है। फिलहाल बिगनिंग में इसे पुणे वगैरह ने ही इस प्रणाली को डेवलप किया था, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने। दूसरी बात है, मैं इसके बारे में बता दूं, इसका जो कोलैबोरेशन है वो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ और वेरियस लोकल एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट एजेंसी के साथ, किसी मेट्रो सिटी में जो काम करते हैं, क्योंकि अमूमन जो सफ़र ऐप होता है किसी मेट्रो सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो लोकल जो वहाँ की म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती है, जो डिफरेंट जो लोकल एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो एयर क्वालिटी की गुणवत्ता को चेक करते हो, कोई गवर्नमेंट एजेंसी ऐसी बॉडी हो सकती है जो उस जगह की चीज़ों को चेक करती हो, तो इन सब चीज़ों से जुड़कर ये काम करता है। ये प्रोजेक्ट जो होता है जनता को, पब्लिक को क्या करता है, एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों को जानकारियाँ देता है कि आपके शहर में आपके अगल बगल एयर क्वालिटी क्या है, किस हिसाब से चल रही है, जिसकी मदद से हम उनको मिटिगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, कम करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता को काफ़ी हद तक बेटर बनाकर हम हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, होते हैं मनुष्य को, ह्यूमन को, उससे हम बचा सकते हैं। इसके अंतर्गत, सफर ऐप के अंतर्गत हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं जो स्थापित हैं, जो इन चीज़ों को चेक करते हैं, और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इस्टेब्लिश होते हैं जो किसी पर्टिकुलर शहर के अंदर होते हैं और यही इनकी जानकारियां देते हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें इंडस्ट्रीज़, रेजिडेंशियल बैकग्राउंड्स, क्लीनर्स, अर्बन कॉम्प्लेक्स, एग्रीकल्चर जोन, क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह में भी वेस्ट निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ कि ये जनरली जो एयर क्वालिटी की जो मॉनिटरिंग करते हैं वो
अर्थ से लगभग 3 मीटर की हाइट तक करते हैं। ओके, सतह से लेकर, सतह के ऊपर की बात नहीं करते, क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाते हैं, ऊपर के एरिया में पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ये जो पॉल्यूशंस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं, वो थोड़ा वेट होने की वजह से नीचे पृथ्वी पर सस्पेंड करती हैं, और विंटर्स के टाइम में तो काफ़ी खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि यही स्मॉग जो धुआं होता है वो फॉग के साथ मिलकर स्मॉग बनाता है, और जो स्मॉग होता है SMOG वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है विंटर्स में। इसीलिए जनरली कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में हमें नहीं घूमना चाहिए, या मॉर्निंग वॉक हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। आए दिन आप देखो तो दिल्ली में कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो होते हैं न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं। ओके, और हर 5 5 मिनट्स में जो डेटा होता है उनको हम स्टोर करते हैं और चेक करते हैं, उसके एनालिसिस करके इस पर अपडेट भी किए जाते हैं। इसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन, बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं मेजर करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 1, 2.5 साइज, 10 साइज, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजीन और मरकरी। इन गैसों को हम चेक करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, मतलब इस क्वालिटी के इंडेक्स के अंतर्गत जो हम सफर ऐप में यूज किया करते हैं। इवन इसके साथ सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, अगल बगल की इन्वायरमेंट कंडीशन को भी चेक किया जाता है। वहां पर यूवी रेडिएशन कितना है, रेनफॉल कितना है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, विंड डायरेक्शन क्या है, सोलर रेडिएशन क्या है, इन सबकी मदद से हम यहाँ पर जानकारियां लेते हैं। आपको बता दूं ये पहला एक ऐसा भारत द्वारा मतलब किया गया पहला एक ऐसा प्रयास है, जो एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें वायु की गुणवत्ता को एवरी मोमेंट ऑफ टाइम चेक करने में मदद करता है। आपको मैं सफ़र ऐप के बारे में कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जरा आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैं गूगल पे जाके मैंने सफ़र ऐप को मैंने ओपन किया है। इस सफ़र ऐप को मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, इस सफ़र ऐप को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और इस सफ़र ऐप को ओपन करने के बाद आपको बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपको दिख जाएंगी। इस सफ़र ऐप को मैंने ओपन किया, इंस्टॉल करने के बाद ये सफ़र ऐप ओपन हो गया दोस्तों। इस सफ़र ऐप में देखो जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ इसमें है क्या। इसमें देखिए ये जो सफ़र इंडिया एयर क्वालिटी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ऊपर आपको लिखा आ रहा है, जो इसको पूरा मैनेज करता है। डिफरेंट सिटीज़ हैं इसमें, दिल्ली है, पुणे है, मुंबई है, अहमदाबाद है, ये चार ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं दिल्ली को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने दिल्ली को सेलेक्ट किया, आप देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर आपको दिख सकता है कि दिल्ली में पूरा ओवरऑल पोल्यूशन कितना है, पूसा का कितना है, लोधी रोड का कितना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कितना है, एयरपोर्ट का कितना है, नोएडा का कितना है। मैं आपको आज चेक करता हूँ कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ नोएडा का, वहाँ नोएडा का पोल्यूशन क्या है। तो जैसे ही मैंने नोएडा को क्लिक किया, ये देखो दोस्तों नोएडा को क्लिक करने के बाद आपको दिखता है माई गॉड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 475 पर पहुंच गया है, जो कि PM2.5 के बारे में बता रहा है। नोएडा में करंट एयर क्वालिटी 475 है, जो कि क्रिटिकल है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। और आपको बताऊं कि ये जो वैल्यू है, आप जो 475, इसमें देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखेंगी। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं, यहाँ देखो आप कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं, वैल्यूज लिखी गई हैं। ओके, ये वैल्यूज जो हैं ये कैसे वैल्यूज हैं, बदल रहे हैं। आप देखो यहाँ पर देखो 425 यानी 4 के बाद, अच्छा अलग अलग कलर्स के फॉर्म में भी आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये ऐप्स देखोगे आपको समझ में आएगा पैरामीटर्स कैसे हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, देखो ये आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह की जानकारी के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिल्ली का इस समय, नोएडा में इस समय जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 है, जो कि बहुत ही खतरनाक लेवल पर है, जिसको हम क्रिटिकल लेवल बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कुछ ऐप्स आगे से आपके मोबाइल फोन में जरूर होंगे। ओके, और टुमारो फोरकास्ट का यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, कल के बारे में भी देखो कि कल का क्या रहने वाला है। तो नोएडा में कल का रहने वाला है 388, जो कि क्रिटिकल से थोड़ा कम रहेगा, वेरी पुअर। तो यहाँ जो डिफरेंट वैल्यूज हैं आप देख सकते हैं, और जिस जगह पे एरो आपको दिखा रहा है देखो वो 400 से थोड़ा कम है, 388, यानी वो कलर जो है वो ऑरेंज कलर का बैंड है, और आज जो है वो 400 से ज़्यादा है, यानी डार्क मरून कलर का है जो ये आपको बता रहा है। तो इस बेसिस पर उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काफी फायदेमंद रहा होगा। इवन आपको इसलिए भी जरूरी था ये ऐप बताना, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए,
इवन हेल्थ के लिए आपको डिफरेंट तरह की ज़रूरतें जो सरकार आपको देती है, डिफरेंट मदद जो आपको करती है जिसकी जानकारी आपको नहीं होती है। और दूसरी तरह से आपके यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए ये ऐप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफ़र ऐप आपके पेपर में पूछा गया है, डिजिटल इंडिया पे क्वेश्चन इस साल ही पूछे गए हैं 2018 के प्रीलिम्स में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी जानकारियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। सो लास्ट में दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये सारे कुछ बुक्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये मेरी लिखी गई बुक्स हैं जो मैग्रा हिल पब्लिकेशंस में इन्वायरमेंट और साइंस टेक की किताबें हैं। इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल हैं, इन्वायरमेंट की हिंदी मीडियम में किताबें अवेलेबल हैं, इंग्लिश मीडियम में बहुत ही जल्दी मैं आपको इस मंथ में देने वाला हूँ, जिसके अपडेट्स भी मैं स्टडी आईक्यू के आने आने वाले वीडियोज़ में आपको देता रहूँगा। फिलहाल आपको इस समय मैं आपको बोलूँगा साइंस टेक के लिए ये बुक पढ़ना ना भूलें। इस बार भी इस बुक से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तकरीबन जितने भी करीब 15 से 16 क्वेश्चन साइंस टेक से रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 10 क्वेश्चन इसी बुक से आए हैं। अगर आप साइंस टेक की तैयारी करते हैं तो इस बुक को पढ़ना ना भूलें। सो थैंक यू एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपने इन 15 ऐप्स को इंस्टॉल किए या नहीं किए, और इनमें से आपको सबसे बेहतर ऐप कौन सा लगा। उम्मीद करता हूँ मेरा सबसे बेस्ट ऐप यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताता हूँ, मेरा है सफ़र ऐप, क्योंकि इस समय जिन समस्याओं से हम दिल्ली में गुजर रहे हैं पूरे भारत में, वो है एयर पॉल्यूशन। सो बिल्कुल लिखिएगा आपको कौन सा ऐप काफी अच्छा लगा और किससे आपको काफी मदद मिली। थैंक यू एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।